श्री राम जन्मभूमि केस की सुनवाई शुरू हुई। समग्र देश की जनता का भाव ये है कि सुनवाई जल्द से जल्द समाप्त की जाए और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला श्री राम जन्मभूमि के लिए जितना हो सके उतना जल्दी देश और दुनिया के सामने आए। मगर आज एक आश्चर्यजनक दलील सर्वोच्च अदालत के सामने कांग्रेस के नेता श्री कपिल सिब्बल और ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील श्री कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च अदालत के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जुलाई 2019 तक, मतलब चुनाव जब तक समाप्त नहीं होते हैं, आम चुनाव आने वाले, तब तक इस केस की सुनवाई टाल देनी चाहिए। जब भी कांग्रेस किसी बात में एक अलग प्रकार का स्टैंड लेना चाहती है तब श्री कपिल सिब्बल को आगे करती है। 2G घोटाला हुआ तब भी जीरो लॉस थ्योरी लेकर श्रीमान कपिल सिब्बल आगे आए थे। गुजरात में आरक्षण का मसला आया तब भी 50% से ज्यादा आरक्षण संभव है ऐसा एक ओपिनियन लेकर कपिल सिब्बल आए। और जब अब श्री राम जन्मभूमि केस के रास्ते में रोड़े अटकाने हैं तब भी कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के रूप में आए हैं। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी श्री राम जन्म केस की सुनवाई जल्द से जल्द हो इस विषय पर सहमत है या नहीं, या कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि 2019 के चुनाव तक श्री राम जन्मभूमि केस की सुनवाई न हो। इस बात पर कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और मैं समझ भी नहीं सकता कि जब पूरे कागजात का ट्रांसलेशन हो चुका है, केस की सुनवाई 3 जज की बेंच करेगी या 5 जज की बेंच, यह भी आज निर्णय कर दिया है सर्वोच्च अदालत ने कि 3 जज की बेंच इसकी सुनवाई करेगी, तो सुनवाई को रोकने से क्या हासिल है? ये सुनवाई जितनी जल्दी होती है ये देश की जनता को श्री राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड जल्दी मालूम पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि कांग्रेस पार्टी इस विषय पर अपना अधिकृत स्टैंड स्पष्ट करे। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष जो बनने वाले हैं राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर जाकर अभी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, एक ओर मंदिरों के चुनावी दौरे चल रहे हैं और दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि केस पर सुनवाई को टालने के लिए कपिल सिब्बल का उपयोग किया जा रहा है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने अपने दोहरे रवैये को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए और साफ होकर आना चाहिए कि राम जन्मभूमि केस जल्दी चले वो कांग्रेस पार्टी चाहती है या नहीं चाहती है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के बनने वाले, घोषित होने वाले अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को भी अपील करना चाहूंगा कि वो स्वयं इस मुद्दे पर उनकी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि जल्दी से जल्दी श्री राम जन्मभूमि केस की सुनवाई होनी चाहिए, सर्वोच्च अदालत का फैसला जल्दी आना चाहिए और वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। धन्यवाद।